नैतिक शिक्षा से लिया हुआ प्रश्न है, आचार संहिताओं का अधिकतम मूल्य निम्न में से किसके लिए होता है? तो देखिए समझ ही गया इस प्रश्न को, सबसे पहले ये दो भागों में बटा हुआ है, कह रहा है आचार संहिता। आचार संहिता सरकार के द्वारा निर्धारित नियम और कायदे, किसी अधिकरण के द्वारा निर्धारित नियम और कायदे का अधिकतम मूल्य, मूल्य का मतलब यहाँ वैल्यूज से है, रुपीज से नहीं है, मूल्य का मतलब हमारी जिम्मेदारी, वैल्यूज, वैल्यूज के बारे में कह रहा है किसके लिए होता है। देखिए चार ऑप्शन दिए इसने, व्यवसायी व्यक्ति, ग्राहक, व्यवसायी व्यक्ति और ग्राहक दोनों पर, और जनता पर। तो देखिए यहाँ पर इसने, वैसे तो देखा जाए तो आचार संहिता का पालन सभी लोगों को करना होता है, व्यवसायी व्यक्ति, ग्राहक, जनता, सबको, लेकिन यहाँ इसने एक चीज डाल दी है स्पेशल, इसने डाल दिया है अधिकतम, मैक्सिमम किस चीज के ऊपर होती है। तो देखिए आज की डेट में जो कोरोना का दौर चल रहा है, इसी से मैं इसको रिलेवेंस करता हूँ, कोरोना के दौर में क्या हो रहा है, कोरोना के दौर के अंदर सरकार ने क्या कहा कि आज शराब बिक्री शुरू कर दी गई है कुछ दिनों से, तो शराब बिक्री शुरू करी है तो जनता उसके ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से दबाव देकर इस तरह से कि खरीदने के लिए कि खत्म हो जाएगा बचेगा ही नहीं आ रही है। तो सरकार ने जनता के लिए तो कुछ नियम बनाए, ग्राहक जो खरीदना रहे हैं उनके लिए भी कुछ नियम बनाए, लेकिन उससे पहले जब दुकानें खोली गई थी तो शॉप के कीपर्स के लिए कुछ नियम बनाए थे कि आप सैनिटाइजेशन करेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, सुबह 7 या सुबह 10 से शाम 6 बजे तक शॉप को खुली रखेंगे। सबसे पहले और सबसे ज्यादा रूल्स, वैल्यूज किसके लिए बनाई गई, उस व्यक्ति के लिए जो सेल आउट कर रहा था। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा सबसे ज्यादा जब इस तरह की बात आती है, मैक्सिमम वैल्यूज, आचार संहिता का अधिकतम मूल्य, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है व्यवसायी और ग्राहक, मुख्य सब्जेक्ट कौन है, एक डीलर और एक रिसीवर, तो जनता की तो कहीं बात ही नहीं हुई है, जनता की बात होती तो हम लोग बात करते, लेकिन जनता के लिए वैल्यूज जो होती है वो आचार संहिता जनता के लिए नहीं होती है। आचार संहिता की जब बात आती है तो उसमें पार्टीज आ जाती है, जनता कभी भी पार्टी नहीं होती है, जनता तो हमारा मुख्य ध्येय है, लोकतंत्र की धुरी है, वहां पार्टीज आएगी, व्यवसायी व्यक्ति, ग्राहक, हाँ इस तरह के जब हम लोग नाम और उपनाम रखेंगे। तो जब हम लोग व्यवसायी व्यक्ति और ग्राहक की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी एक व्यवसायी व्यक्ति की बनती है, इसका सही उत्तर है व्यवसायी व्यक्ति। खेल मनोविज्ञान से लिया गया प्रश्न है, पिछली कुछ यूनिटों के अंदर भी हमने बताया था, थॉर्नडाइक जो था वो एक मनोवैज्ञानिक थे, और एक प्रश्न हमने दिया था कि वो बेसिकली शिक्षक थे, लेकिन विद्यालय के शिक्षक ना होकर कॉलेज के शिक्षक थे, यूनिवर्सिटी के शिक्षक थे, और उन लोगों ने कुछ प्रयोग किए थे जो सीखने के नाम से कुछ प्रचलित हुए थे। तो देखिए प्रश्न क्या रहा है, थॉर्नडाइक द्वारा किए प्रयोगों में सब्जेक्ट किसे बनाया गया? सब्जेक्ट कहते हैं जिसके ऊपर हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसके ऊपर सब्जेक्ट मीन्स, मान लीजिए मुझे दूध को फाड़ना है, दूध को फाड़कर मुझे दही बनाना है, तो मेरे लिए सब्जेक्ट क्या रहा, मेरे लिए सब्जेक्ट रहा दूध। तो जिसके ऊपर प्रयोग किया जाए वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो थॉर्नडाइक ने देखिए जो सब्जेक्ट जिसे बनाया था, यहाँ देखिए कंफ्यूज करने वाले प्रश्न आ रहे हैं, सॉरी ऑप्शन आ रहे हैं, ये कह रहा है जनता, तो जनता तो हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन मानव और नर, थॉर्नडाइक के जो प्रयोग थे वो प्रयोग नो डाउट उसने प्राणियों के ऊपर किए थे, लेकिन बाद में उनका इम्प्लीमेंटेशन मानव और नर के ऊपर भी किया गया था। गोरिल्ला जो है वो इसी के अंदर आता है, क्योंकि होमोसेपियंस की जो पुरानी प्रजाति थी उसका इंटररेट इससे किया जाता है, तो मानव और नर भी, क्योंकि उसके प्रयोग का रिलेवेंस उसमें था, ऑप्शन सही हो सकता है। स्तनधारी, बिल्कुल ठीक है, मैमल्स के ऊपर उसके लगभग अधिकतर प्रयोग थे, स्तनधारी भी हो सकता है, लेकिन देखिए सबसे सटीक जो इसका उत्तर जाता है, निम्न स्तरीय प्राणी, किसी भी वैज्ञानिक को जब प्रयोग करने के लिए कहा जाता है तो प्रयोग के दौरान वो सबसे पहला प्रयोग उस संतति के ऊपर करता है जो एक लार्ज स्केल में उपलब्ध होती है और जिसका यूटिलाइजेशन समाज के लिए नहीं होता, जो दुधारू ना हो, जो हमारे लिए बेनिफिशियल ना हो, और बेनिफिशियल का मतलब ये नहीं है कि आपका अर्थ खाना पकाना, जिसका यूटिलाइजेशन ना हो सके, उपयोगिता ना हो, जिसकी सार्थकता ना हो, तो ऐसे प्राणी निम्न स्तरीय कहलाते हैं, चूहा, बिल्ली, बंदर आदि इसके अंदर आते हैं। तो देखिए मानव और नर भी ऑप्शन हो सकता है, स्तनधारी भी ऑप्शन हो सकता है, प्राणी भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मेन थीम क्या है, लो कैडर, निम्न स्तरीय प्राणी हो। तो थॉर्नडाइक ने अपने जो प्रयोग थे उसके अंदर लो कैडर के प्राणियों के ऊपर, जो समाज में बहुत ज्यादा उपलब्ध हो लेकिन उनकी उपयोगिता ना हो, उनके ऊपर प्रयोग किए थे। नैतिक शास्त्र, मनोविज्ञान और खेल तीनों से रिलेटेड प्रश्न है, और यह दर्शाता है कि प्रश्न कितना जटिल है।
मानव द्वारा दांत से काटना इंगित करता है, मानव द्वारा दांत से काटना इंगित करता है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ लीजिए कि दांत से काटना, दांत से काटना, अगर हम लोग रोटी खा रहे हैं तो दांत से काटी जा सकती है, अगर हम लोग किसी गांठ को खोल रहे हैं तो दांत से काटा जा सकता है। लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर एक वैल्यू होती है जिसे स्पोर्ट्स एथिक्स कहा जाता है, खेल भावना कहा जाता है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि प्रत्येक खिलाड़ी को खेल और नियमों का पालन करते हुए भाग लेना है। कहीं भी किसी भी खेल के अंदर ये नहीं लिखा गया कि आपको दांत से काटना अलाउ है, नॉट एंड ईच एंड एवरी गेम। और मैं इसका एक उदाहरण भी दूंगा, दो बड़े फेमस बॉक्सर हुए थे माइक टाइसन और इवांडर होलीफील्ड, इन लोगों का कैरियर इसी बात से खराब हो गया था। माइक टाइसन ने जो है कान काट लिया था उसका, और किससे काटा था, दांत से, इसी वजह से उसके ऊपर एक आचरण लगाया गया और उस आचरण को कहा गया हिंसक आचरण, जिसके अंदर वल्गरिटी थी, जिसके अंदर न्यूसेंस था, जिसके अंदर रेकलेस मैनर था, जिसके अंदर केयरलेस मैनर था, और जिसके अंदर दूसरे को हार्म पहुंचाने के उद्देश्य से वह क्रिया की गई थी। तो हिंसक आचरण कहीं भी अलाउ नहीं है, भले ही चाहे वो घर में दुर्घटना बतौर हो, चाहे आप किसी से झगड़ा कर रहे हो और चाहे झगड़े में बचाव कर रहे हो, आपको नियमों के तहत सदैव लॉ का पालन करते हुए उस कार्य को करना होता है। बचाव में की गई हत्या में भी यह देखा जाता है कि बचाव का कृत्य क्या था, क्या चाकू ऐसे मारा गया या ऐसे मारा गया। जब चाकू ऐसे था तो व्यक्ति आपके ऊपर गिरा होगा, यह बचाव में कृत्य कहलाया, जब आपने उसे मारा कहीं ना कहीं आप हिंसक हो गए थे। खेलों के अंदर यह नहीं है, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स और शारीरिक शिक्षा पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ उस बात को रिलेवेंस कर रहे हैं, हिंसक आचरण खेलों में कहीं अलाउ नहीं है। तो इसका उत्तर हुआ कि मानव द्वारा दांत से काटना इंगित करता है उसके हिंसक आचरण को। विश्व में शारीरिक शिक्षा का इतिहास से रिलेटेड ये प्रश्न है, और विश्व और भारत का इतिहास दोनों अलग अलग है, इसके अलावा यूनान का इतिहास आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो विश्व के इतिहास की जब बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बता दूं, देखिए सबसे पहले जब हम इतिहास की बात करेंगे तो समस्त इतिहास जो वो यूनान का चलेगा, यूनान ने जितना डेवलपमेंटल काम किया था, यूनान को ही मदर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एक तरह से कहा जाता है। लेकिन यूनान के ऊपर जब रोम का अधिकार हो गया था तो वहाँ पर ओलंपिक्स को नष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, तो फिजिकल एजुकेशन खत्म हो गई थी। यूनान में फिजिकल एजुकेशन केवल खेलों तक सीमित थी, उससे ज़्यादा और नहीं था। जब इसके बाद अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता रिचर्ड शेडमर जो है 1761 में जब उसने प्राचीन ओलंपिया को खोजा और उसने जब इन चीज़ों को लोगों को बताया विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, मौखिक संवाद के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, तो लोगों को दोबारा पता लगा कि वर्ल्ड को यूनिटी में जोड़ने के लिए, कॉम्पिटिशन करने के लिए प्राचीन यूनान में इस तरह के गेम्स चलते थे, और अलग अलग शैक्षणिक पद्धतियाँ भी थी जो पैडागॉग, एगोग, सोफिस्ट, अकाउंटेस्टिस, टॉक्सोटॉक्स, ये सारी चीज़ की किस तरह से अलग अलग शिक्षक हुआ करते थे। तो समस्त देशों ने इसको अपनाया। अब हम लोग इस प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। सबसे पहले जब आप देखेंगे तो देखिए इसके चार ऑप्शन है, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड। बहुत से लोग इसका उत्तर गलत करके आएंगे, बहुत से लोग इसका उत्तर सोचेंगे जर्मनी। नो डाउट आज की डेट में सबसे ज्यादा जो लिटरेचर है विश्व में उपलब्ध, वह खेल साहित्य जर्मन भाषा के अंदर है। सारी किताबें 80% जर्मन भाषा में है, और जर्मनी के अंदर, जर्मनी आज से कुछ समय पहले तक वेस्ट और ईस्ट जर्मनी हुआ करती थी, तो GDR उसे कहते थे, ग्रुप रिपब्लिक ऑफ जर्मन, द रिपब्लिक इस तरह से कहा जाता था, तो जर्मनी के अंदर था। लेकिन जर्मनी ने केवल लिखित साहित्य दिया, और जर्मनी ने क्या किया कि अपने वहाँ जिम्नास्टिक को बढ़ावा देने से ज़्यादा कोई काम नहीं किया। फिर जर्मनी ज़्यादा फेमस क्यों हुआ, जर्मनी फेमस हुआ था जिम्नास्टिक के जन्मदाता गट्स मत्स की वजह से, लेकिन जर्मनी उतना काम नहीं कर पाया शारीरिक शिक्षा के माध्यम में। उसने जर्मन जिम्नास्टिक समाज, जिम्नास्टिक्स खेल, इसके ऊपर तो काम किया। दूसरा लोगों को इसका सही उत्तर लगेगा, देखो हॉलैंड को तो आप भूल ही जाइए, हॉलैंड का इतना कोई योगदान है नहीं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्वीडन के ऊपर आप लोग बहुत बात करेंगे, क्योंकि जिम्नास्टिक के इतर अलग, एक अलग जिम्नास्टिक चलती है जिसका नाम है मेडिकल जिम्नास्टिक्स। तो मेडिकल जिम्नास्टिक्स के खोजकर्ता कौन थे, पर हेनलिक लिंग। और मेडिकल जिम्नास्टिक क्यों फेमस है, क्योंकि मेडिकल जिम्नास्टिक से ही आज की फिजियोथेरेपी का इन्वेस्टमेंट प्रादुर्भाव हुआ है,
आज जो फिजियोथेरेपी चलती है, जो भौतिक चिकित्सा जिसके अंदर पुनर्वास, इंजरी प्रिवेंशन ये सब आता है, इसका जन्म किससे हुआ है? मेडिकल जिम्नास्टिक्स से। लेकिन ये भी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है? शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र। अब मैं आपको बताता हूँ डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क बहुत छोटा सा देश था, दोनों से यह पीछे इसने काम किया, बाद में काम शुरू किया, लेकिन इसने क्या है, लीक पकड़ी। जैसे स्वीडन के अंदर पर हेनरिक लिंग थे, जर्मनी के अंदर गट्समथ थे, फ्रेडरिक लुडविक जोन थे, ऐसे ही डेनमार्क के अंदर एक फ्रांस नेसगाल नाम के व्यक्ति थे। इसने भी शुरुआत तो जिमनास्टिक्स से ही करी। इसने भी पहले तो गट्समथ की पुस्तक ए बुक फॉर जिमनास्टिक फॉर यंग्स यह पकड़ी, लेकिन बाद में इसकी थीम अलग हो गई। इसने सरकार को एक पैटर्न बना के दिया, जिस पैटर्न को सरकार ने उस वक्त लागू किया। इसने कहा कि 6 से 11 साल के बच्चों को हफ्ते में प्रतिदिन 2 घंटे, 11 से 14 साल के बच्चे को प्रतिदिन 3 घंटे और 14 से 18 साल के बच्चे को प्रतिदिन 4 घंटे खेलना अनिवार्य है। आज तक डेनमार्क इस रूल का फॉलोअप करता आ रहा है, और इस चीज़ को इसी ने तो हमारे पाठ्यक्रम के अंदर गेम्स के पीरियड को इन्वॉल्व कराया, इसी ने तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स की महत्ता बताई। इसलिए डेनमार्क इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रतिपूरक, प्रतिमिलान, तुलना करने वाले प्रश्न, एक दूसरे से मिलाने वाला प्रश्न फिर आ गया है। आज का अंतिम प्रश्न है, लेकिन हमें ये देखना है कि इस अंतिम प्रश्न के अंदर देखिए, ये पूरा पूरा फिजियोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है, फिजियोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है, और इसके अंदर फिजियोलॉजी का केवल केवल अगर आप समझ जाएंगे तो इस प्रश्न का उत्तर कहीं गलत नहीं जाएगा। एक तंत्र के ऊपर फोकस किया है, पाचन तंत्र। देखिए, अगर उसको आप समझ गए तो चार चीज़ों के ऊपर आइए। HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। सेलाइवा, लार का इंग्लिश वर्जन है। लैक्टिक एसिड, ये थोड़ा सा डिफर हो जाता है, लेकिन यह एक ऐसा व्यवधायक अम्ल है जो पाचन में तो काम नहीं आता, लेकिन उसके लिए अलग से एक चीज इसमें दे रखी है। प्लस बोलस, जब हम लोग भोजन को मुख में लेते हैं, दांत उसको चबाते हैं तो वो लुगदी बन जाता है, इसे बोलस कहते हैं। अगर आप इसको समझ गए तो अब मैं आपको इसको समझाता हूँ, प्रश्न का उत्तर बड़ा ईजी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप आइए इसमें सेलाइवा के ऊपर। सेलाइवा लार को कहते हैं। अगर आप ये पकड़ गए लार, तो लार केवल शरीर में एक ही जगह बनती है, किसके ऊपर? जीभ के ऊपर। इसका मतलब आपने अगर जीभ को पकड़ लिया, आपकी सेलाइवा जो है वो जीभ के ऊपर पड़ी और जीभ ने आपको उस भोजन को लुगदी बनाने का काम कर दिया, तो इसका उत्तर क्या आया? जीभ। किसका उत्तर आया? सेलाइवा का। लार किसके ऊपर बनी? जीभ के ऊपर। अब देखिए, इसमें दूसरी सबसे इजी चीज क्या है? लैक्टिक एसिड। सभी लोग खेलों के अंदर यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि लैक्टिक एसिड बनता है जब थकान होती है, और थकान कब होती है? जब हम लोग कार्य करते हैं। तो फिजियोलॉजी किन्सियोलॉजी के अनुसार कार्य करने के लिए शरीर में कौन जिम्मेदार होता है? मांसपेशियां जिम्मेदार होती है। तो नेचुरल सी बात है, मांसपेशियां काम करेंगी तो थकेगी कौन? मांसपेशियां। और थकेंगी मांसपेशियां तो लैक्टिक अम्ल किसके अंदर बनेगा? मांसपेशियों के अंदर ही बनेगा। तो लैक्टिक अम्ल का रिलेशन किससे हो गया? सीधा सीधा लैक्टिक अम्ल का रिलेशन यहाँ पर हो गया मांसपेशी से। ठीक है, अब आप आइए इसके तीसरे दो ऑप्शन में पड़े, सेलाइवा और लैक्टिक एसिड। अब HCl अम्ल और बोलस बचता है। तो देखिए, इसमें से सबसे इजी कौन सा बचा? इसमें से बचा सबसे इजी आपका HCl अम्ल। और HCl अम्ल, अम्ल शरीर के अंदर लेना खतरनाक होता है, क्योंकि हमारे शरीर के बेसिक जो वैल्यू होती है वह क्षारीय वैल्यू होती है। एक पीएच स्केल होता है जिसमें पानी की पीएच को जब मापा जाता है उसका स्वाद कैसा है, 0 से 7 तक क्षार, 7 के ऊपर उदासीन, और 0 से 7 तक अम्ल, 7 पर यह उदासीन और 7 से ऊपर यह क्षारीय होता है। तो हमारे शरीर की बेसिक प्रवृत्ति क्षारीय होती है, क्योंकि शरीर में सबसे ज़्यादा टॉप टू बॉटम रक्त दौड़ता है, और रक्त का पीएच जो होता है वो लगभग 7.4 के आसपास होता है। अब हम क्या करते हैं कि हम जो खाना खाते हैं वो इसके विपरीत खाते हैं, खाना लगभग सारा अम्लीय खाते हैं, क्योंकि खाना जो है मसालों से पकाया जाता है। तो ये मसाले पकाए, जब हमने अम्ल अंदर लिया तो इसके ऊपर रिएक्शन कौन करना चाहिए? क्षार। लेकिन यही हमारे शरीर की एक उल्टी प्रवृत्ति है, जिसे फिजियोलॉजिकल कंडीशन और सिस्टम कहा जाता है, कि जैसे ही भोजन आमाशय में आता है,
आमाशय में आते ही सबसे ऊपर उसके ऊपर जठर ग्रंथियां एक रस स्रावित करती है जिसे जठर रस कहते हैं, और उस जठर रस के मिश्रण के अंदर एक अम्ल होता है। यह एकमात्र ऐसा अम्ल होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, जिसे HCl अम्ल कहा जाता है। तो यह आमाशय के अंदर पाया जाता है। और अंतिम बचा बोलस। अभी हमने पढ़ा कि सेलाइवा किसके ऊपर मिली, सेलाइवा जीभ के ऊपर मिली। तो जीभ के ऊपर सेलाइवा ने क्या काम किया, जो खाना हमने खाया उसको बोलस बनाने का काम किया। तो जीभ के ऊपर अभी बोलस बनाने का काम किया, लेकिन पूर्णतः वो बोलस बनी नहीं है। बोलस कब बनेगी, जब पूरा वो चबकर और अंदर ग्रास नाल में उसको धकेल दिया गया। तो जब भोजन जीभ के ऊपर लुगदी बन जाता है और उसको ग्रास नाल में धकेल देते हैं चबने के बाद, तो उसको क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है, लुगदी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, ग्रास नाल। तो देखिए आज हमने टेस्ट पेपर 4 को हल किया। समय के अनुसार एक एक प्रश्न पत्र को हम हल करते रहेंगे। आपसे प्रार्थना है कि सभी लोगों की सहायता के लिए इन वीडियोज़ को आप अधिक से अधिक शेयर करें, और प्रश्न पत्र और सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें हम आपको लाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आपका भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच।